नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की सातवें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के प्रथम छः दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। सातवें दिन की कथा के रूप में हम सातवें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें हम देखेंगे वैश्य पुत्र विकुंडल को माघ स्नान से किस तरह से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं आपको सातवां अध्याय बताऊं, उसके पहले मैं आपको माघ मास स्नान की विधि बता रही हूं। तो आइए देखें माघ मास स्नान विधि। स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करते हैं तो आपको स्नान करने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप स्नान करें तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और आप सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देने के पश्चात पितरों को भी अर्घ्य देंगे। और माघ मास में स्नान करने के अलावा दान, तप, श्राद्ध, हवन तथा अनुष्ठान आदि करने का भी विशेष महत्व है। साथ ही साथ इस मास में कंबल, घी, गुड़, तिल आदि का दान देने का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहते हैं कि माघ मास में जो भी दान हम देते हैं वो हमारे संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। इससे व्यापार में वृद्धि होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संबंध में शास्त्रों में एक श्लोक भी बताया गया है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। माघे मासी महादेव योगधात घत कम्बलम सभुक्तवा सकलान भोगान अंते मोक्षम च विंदती। माघ मास में तिल का दान सर्वाधिक शुभ फलदायी माना गया है। इसके लिए ब्राह्मण को तिल से तोलकर उसके वजन के बराबर तिल का दान किया जाता है। तो कई जगहों पर तिल्ली की गाय दान करने की भी परंपरा है। इस मास में तिल का आहार स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, इसलिए इस मास में तिल्ली का सेवन भी किया जाता है। अब हम माघ मास महात्म्य के सातवें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। सातवें दिन की कथा के श्रवण के रूप में हम देखेंगे वैश्य पुत्र विकुंडल और देवदूत के बीच में संवाद की कथा। इसके पहले छठे अध्याय में हमने देखा कि भगवान दत्तात्रेय जी राजा कार्तवीर्य को हेमकुंडल नामक वैश्य और उसके पुत्रों की कथा सुनाते हैं। राजा दत्तात्रेय जी बताते हैं कि हेमकुंडल एक बहुत ही धनी वैश्य था। बुढ़ापा आने पर उसने अपने धन के छठे भाग को धर्म के काम में लगाया, दान करना प्रारंभ किया। उसके दो पुत्र पैदा हुए, उसने बड़े का नाम तो कुंडल और छोटे का नाम विकुंडल रखा। जब उसके दोनों पुत्र बड़े हो गए तो उसने अपना सारा काम काज उन दोनों पुत्रों को संभला के और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला गया। वह भगवान नारायण की तपस्या करते हुए वन में ही स्वर्गलोक को सिधार गया और मरने के पश्चात विष्णुलोक को गया। इधर उसके दोनों पुत्र अपने रूप और धन के घमंड में चूर हो गए और उन्होंने बुरे कार्यों में और व्यसनों में लीन हो गए। चूहा खेलना, वेश्यागमन करना, धन लुटाकर दिखाना और इस तरह के कार्य उन्होंने शुरू कर दिए और शीघ्र ही उनका सारा धन तेजी से खत्म होने लग गया। कुछ समय बाद उनका सारा धन खत्म हो गया, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो फिर उन दोनों ने चोरी करना शुरू किया और लोगों से उधार मांगना शुरू किया। जब लोगों ने उधार देना बंद कर दिया और मारना चालू किया तो वे वन में रहने लगे। वहाँ वे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। एक समय पे क्या होता हैगा कि बड़े भाई को तो शेर मार के खा जाता है और उसी दिन छोटे भाई को सांप डस लेता है। अब वो दोनों जब मर जाते हैं तो यमराज के यमदूत आके उनको और यमलोक में ले जाते हैं और यमराज जी के पास जाके कहते हैंगे कि हम इन दोनों को लेके आए, इन दोनों को देख के बताओ कि इनका क्या करना है। तब दत्तात्रेय जी बताते हैं आगे कि चित्रगुप्त द्वारा उन दोनों का लेखा लेने पे यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ, जहाँ कठिन वेदना दी जाती, बहुत पीड़ा दी जाती, वहाँ पे लेके जाओ और दूसरे को स्वर्ग में लेके जाओ, जहाँ पे उत्तम भोगों का सेवन किया जाता है आत्माओं के द्वारा, तो उसको वहाँ ले जाओ। तब यमराज जी की आज्ञा पा के दूत वैसा ही करते हैंगे। हे राजन, यानी जब दत्तात्रेय भगवान बताते कार्तवीर्य को तो कहते हैंगे कि बड़े भाई को तो रोरव नरक में फेंक दिया जाता है, जहाँ घोर कष्ट होता है। और छोटे भाई को दूत इस प्रकार सुंदर वचन बोलते हुए कि हे विकुंडल,
तुम हमारे साथ स्वर्ग में चलो और अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। तो ये सुन के वो छोटा भाई जो रहता है विकुंडल, वो हृदय में आश्चर्यचकित हो जाता है और वो विचार करने लगता है कि किस कारण से मेरे को ये फल मिल रहा है। तो वो दूत से पूछता है कि हे दूत, मैं आपसे ये संदेहवश ये पूछ रहा हूँ, सो कृपा करके आप मुझे बताओ। मेरे मन में बहुत ही यानी एक कश्मकश चल रही, संदेह चल रहा है कि हम दोनों भाइयों ने एक ही कुल में पैदा होके बराबर समान कार्य किए, हमारी मृत्यु भी बराबर एक ही समान तरीके से हुई है, तथा यमराज के दर्शन भी हम दोनों ने साथ साथ किए, तब के इस किस कारण से ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई को तो नरक में फेंक दिया और मुझे स्वर्ग मिल रहेगा, ऐसा मैंने क्या किया। तो विकुंडल के ऐसे प्रश्न पूछने पे यमदूत जी कहते हैंगे कि हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता पिता आदि के जन्म के कारण समागमन होता रहता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्य का जन्म तो सिर्फ उसके कर्म फल को भोगने के लिए ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो जो पूर्व भक्ति कर्म करता है पूर्व जन्म में, या अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल ही समय समय पर बार बार भोगने के लिए आता है पृथ्वी पे। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है, ये तो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल का ही योग होता है। कभी कोई भी मनुष्य दूसरे किसी के किए हुए कर्मों का फल नहीं भोग पाता है। पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण ही तुम्हारा भाई तो अत्यंत पापों से ग्रसित होकर घोर नरक में गया है, और पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम धर्मात्मा सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। एक ही कर्म करता अपने किए गए शुभाशुभ कर्मों को बार बार भोगता है। तब देवदूत बोलते हैं, हे वैश्य सुनो, जो तुमने पुण्य किया है वह मैं तुमको भली प्रकार बताता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। हरमित्र का पुत्र सुमित वेद पाठी ब्राह्मण था और यमुना जी के दक्षिण तट पर उसका आश्रम था। वहाँ पे हे वैश्यवर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई, उसके सत्संग के प्रभाव से तुमने दो माघ मास में सब पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया, जिससे हे वैश्य श्रेष्ठ, एक बार के स्नान करने से तो तुम्हारे सारे पाप दूर हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमने स्वर्ग को प्राप्त किया है। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में लंबे समय तक आनंद से सुख भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दी गई यातनाओं को सहेगा, असी पत्रों से काटा जाएगा, मुद्गरों की मार से प्रताड़ित किया जाएगा, पत्थरों की मार से उसके अंग को चूरा करके और अंगारों में भुना जाएगा, इस तरह से उसको दुख दिए जाएंगे। दत्तात्रेय जी बोलतेंगे कि हे राजन, इस तरह से दूतों की बात सुन के वह भाई के दुख से बहुत ही दुखी होता है और उसका शरीर पुलकायमान होता है। तब दीनता पूर्वक अत्यंत दुखी होके वो मधुर वाणी में देवदूतों से कहता है कि हे सत्पुरुषों के साथ साथ सात पग चलने पे भी मित्रता श्रेष्ठ फलदायी नहीं होती है, अतः अब मित्रता का भाव विचार कर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, मैं तुमसे ये सब सुनना चाहता हूँ, आप मुझे कृपा करके बताओ कि किस कर्म के कारण मनुष्य यमलोक को नहीं देखते हैं, अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होते हैं। इति श्री माघ मास महत्तम्य सप्तम अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्यौहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।